बिल्कुल, एक एक सवाल और फिर समापन करते हैं। सवाल छोड़िए, आज पॉलिटिकल सवाल, आज तो क्या बढ़िया दिन है। तीन 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 लोगों के नाम लूंगा, उस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। पूछिए, चलिए पूछिए। पहला नाम अशोक सिंघल जी। अमर हुतात्मा, बड़ा श्रम किया, बड़ी मेहनत की, बड़े तपस्वी। इस राम मंदिर की नींव में जो पत्थर लगे होंगे उनमें पहला दूसरा पत्थर अशोक जी का लगा होगा यहाँ पर। कोठारी बंधु, जिन दो भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, आज पूनम दीदी को यह लग रहा होगा कि उनके दो भाई गए लेकिन 200 करोड़ भाई प्रसन्न हैं, ये लग रहा है। जोरदार तालियां इस बात के ऊपर, बहुत सुंदर बात बोली है। अगला नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल जी भारत की सांस्कृतिक और संवैधानिक मर्यादा की लीक है। हम तो जिस राजनीति के विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, अटल जी उसके कुलपति हैं। और अभी मैं बंबई में कार्यक्रम में था जी, तो वहां देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी मुख्य अतिथि थे, राजनाथ सिंह जी। मैंने उनसे यही कहा, उनको संबोधित करते हुए, कि राजनीतिक शुचिता, भाषाई मर्यादा, सर्व स्वीकार, सद्भाव, लेकिन उसके बाद भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसका जो विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी बनाकर गए, उसका अगर कोई वास्तविक कुलपति इस समय हो सकता है तो राजनाथ जी आप हो सकते हैं, आप ही हैं। इसीलिए वो लखनऊ से सांसद हैं जी। लखनऊ को जगह से व्यक्ति भी ऐसा ही मिलना चाहिए था जैसा राजनाथ जी जैसा मिला जी। महंत योगी आदित्यनाथ, उनका तो राजनीति का अभी शैशव काल है, प्रारंभ हुए हैं, वो शुरू हुए हैं। और अच्छी बात है कि उनका जो धार्मिक विचार है, जो उनका सांस्कृतिक चोला है जी, उसे वो छुपाकर नहीं, स्वाभिमान के साथ धारण करते हैं कि मैं ऐसा हूं। मेरे जहां जिस गांव से मैं हूं, उस गांव में मेरे से पांचवा छठा घर इस्लाम मानने वाले बंधुओं का था। वो दिन भर टोपी पहनते थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे जी, कि उनके सिर पर टोपी है, ये उनका अपना धर्म है, और अगर उसका प्रकटीकरण वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा था। जो सुख मुझे इन सामने बैठे हुए सनातनियों के माथे पे सीताराम लिखा हुआ देख के हुआ है, वही सुख मुझे उन्हें देखकर होता है, दोनों को होता है सुख। दे बस मैं ये चाहता हूं कि आपकी टोपी की रक्षा के लिए मेरा सीताराम सन्नद्ध रहे, और मेरे कृष्ण के जन्म स्थान के लिए आपकी टोपी भी सन्नद्ध रहे, मैं इतना चाहता हूं। हेलीकॉप्टर भी आदेश कर रहा है कि समापन करा जाए, लेकिन एक दो नाम और है। चार लाइन है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो समापन करा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय राजनीति में जितनी हमारी वैविध्य भरी राजनीति है, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, उसमें एक दृढ़ संकल्प का जैसा आदमी चाहिए कि ये होना है तो ऐसे होना है, वो उस तरह के व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोग उनसे असहमत होते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग जानते हों, और इसका सार्वजनिक प्रकटीकरण करना भी नहीं चाहिए जी। मैंने दो लोग देखे जीवन में जो बाहर से बड़े कठोर दिखाई देते हैं, बड़े कठोर, और अंदर से बड़े भावुक, आध्यात्मिक, परिहास करने वाले, आनंद करने वाले। एक स्वर्गीय अरुण जेटली जी, अरुण जी की इमेज थी कि अरुण जी बहुत टफ हैं, लेकिन आप अकेले में कभी अरुण जी से बात करें, मिलें, बहुत। यही गृहमंत्री जी का है कि वो अपना काम तो करते ही हैं, एक तो मेहनती बहुत ज्यादा हैं और उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ, इतनी वो मेहनत करते। आपका मैसेज वो सुन लेंगे इसके माध्यम से। हाँ, लेकिन वो अंदर से आध्यात्मिक चेतना से भरे हुए व्यक्ति हैं, जिसमें जो उनका जैनत्व है जी, कि सबका ठीक हो, कोई बुरा ना हो, लोगों को लगता है भाई, लेकिन अब देवता भी जब युद्ध करते हैं तो राक्षसों का संहार करते हैं जी, तो ऐसा कई बार हो जाता है, लोगों को लगता होगा, लेकिन अंदर से बहुत मीठे हैं। स्टालिन, क्या मैं उनको बोलूं, ईश्वर उन्हें के पिताजी के नाम का स्मरण कराता रहे, करुणानिधि भगवान का नाम है जी, और किसने दिया है करुणानिधि नाम, हनुमान जी ने, तो हनुमान जी ने उनको करुणानिधि कहा। मैं आशा करता हूं कि वो अपने दादा का, अपने पिता का नाम सार्थक करते रहें, क्योंकि राम जी को तो फिर भी सेट किया जा सकता है, ये नाराज हो गए अगर, बिल्कुल नहीं हो सकता था तो फिर बहुत मुश्किल। स्वामी प्रसाद मौर्य, रहने दीजिए, रहने दे, अरे सरयू, अच्छा आखिरी 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 और ये सेकंड लास्ट है, अरविंद केजरीवाल। अरे जाने दीजिए, नमस्ते अरविंद केजरीवाल पर एक लाइन सुनना चाहती है पब्लिक। आइए आइए।